इस पिछले वीडियो में हमने देखा था मौर्य प्रशासन, उसके बाद आता है सुंग वंश। याद करने की ट्रिक थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो सम्राट अशोक आए थे उन्होंने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची स्तूप बनाया था, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेकंड नंबर पर था एमपी में। फर्स्ट में कोई था और थर्ड पर कोई था, थर्ड पर था भीमबेटका और फर्स्ट पर था खजुराहो टेम्पल्स। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसकी थर्ड साइड और फोर्थ साइड यूज करेंगे इस तरह से कि यहाँ पर लगे हैं पुष्प जिसकी सुगंध दूसरी साइड नहीं जा पा रही, तो पुष्पमित्र सुंग ने इसे तोड़वा दिया। तो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के बाद सुंग वंश आने वाला है। तो बस यही पुष्पमित्र सुंग की स्थापना, पुष्पमित्र सुंग ने स्थापना की है सुंग वंश की 185 बीसी से 73 बीसी तक ये चलता है। पुष्पमित्र सुंग ने कैपिटल जो है वो विदिशा बना ली थी और सांची स्तूप को तोड़वा दिया था, फिर आपको पता ही है, और उसकी जगह पर वरहूत स्तूप बनवाया था। पुष्पमित्र सुंग ने डेमेट्रियस और मेनेंडर के जो अटैक था उनको काउंटर किया था। ये डेमेट्रियस और मेनेंडर कौन थे, ये जब शक आएंगे अभी सतवाहन के बाद तब क्लियर हो जाएगा डेमेट्रियस एंड मेनेंडर कौन थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पतंजलि जो थे संस्कृत ग्रामरियन वो इन्हीं के टाइम पर थे और उन्हीं के देखरेख में दो अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। और इनके जो पुत्र थे, मैंने आपको बोला था कि अग्निमित्र सुंग, इन्होंने इस स्तूप को सांची स्तूप को बनाया था और डबल डायमीटर डबल हाइट के लिए, डबल डायमीटर डबल हाइट करके बनाया था, तो 16 और 36 मीटर हाइट एंड डायमीटर हो गया था उसका सांची स्तूप का। तो 16 राज्य लेके छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उससे इंटरलिंक करके हमने ये याद कर लिया था। ओके, तो कालिदास जो आगे गुप्ता पीरियड आएगा उसमें मालविका अग्निमित्रम, कालिदास ने लिखी है एक स्टोरी, उसमें जो अग्निमित्र है वो ये पुष्पमित्र सुंग के बेटे ही है अग्निमित्र, जिन्होंने सांची स्तूप बनवाया था, उसमें जो हीरो है वो अग्निमित्रम ही है। इफेक्ट्स देखते हैं इनके आने का क्या इफेक्ट हुआ। अब ये जो पुष्पमित्र सुंग है वो सीआईसी सेनापति थे, मौर्य साम्राज्य के लास्ट शासक बृहद्रथ के सेनापति थे, तो ये फॉरेन अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं पुष्पमित्र सुंग ने इनको मार के अपना शासन स्थापित किया। इनके आने का इफेक्ट ये हुआ कि जो अशोक जो धम्म को फॉलो करने लगे थे, बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो करने लगे थे, पता ही है आपको कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और हर जगह सेंट्रल एशिया सब जगह बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म जो खत्म हो रहा था वो इनके आने से आ गया, क्योंकि एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी तो हिंदुइज्म एक तरह से ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म रिवाइव्ड हो गया था, कास्ट सिस्टम भी रिवाइव्ड हुआ था, और इनका जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट में जो मूर्तियां हैं यानी इंसानी मूर्तियां वो ज्यादा यूज हुई थी, इंसान की आकृति ज्यादा दिखाई गई थी। इसके लास्ट रूलर थे देवभूति, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लास्ट रूलर में और जो अगला वंश आएगा कर्ण डायनेस्टी, उसके पहला रूलर सेम नाम है उसका, ये है देवभूति, और अगला आएगा वो है वासुदेव, कोलिंग करके याद हो जाएगा। उसके बाद आएगा सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी सिंपली ट्रिक से हो जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।